भाप बनकर मर भी सकती हैं सुनीता विलियम्स, जाने एक्सपर्ट ने ऐसा क्यों कहा। स्पेस मामलों के विशेषज्ञ पूर्व अमेरिकी सैन्य कमांडर रेडोल्फी चेतावनी देते स्टार लाइनर को धरती पर लाने के लिए 3 भयावह संभावनाएं बताई हैं। उन्होंने कहा कि इससे अंतरिक्ष यात्रियों की जिंदगी को खतरा हो सकता है। भारतीय मूल के अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुश विलमोर 2 महीने से अंतरिक्ष में फंसे हुए हैं। स्पेस मामलों के जानकार पूर्व अमेरिकी सैन्य कमांडर रूडी डी रेडोल्फी ने 3 भयावह संभावनाएं बताई हैं। रूडी ने कहा है कि अगर वह इस खराब अंतरिक्ष यान से वापस आने का प्रयास करते हैं तो वे घर्षण से उत्पन्न होने वाली गर्मी से भाप बनकर मर भी सकते हैं। डेली मेल को दिए गए एक इंटरव्यू में रेडोल्फी ने बताया कि बोइंग स्टार लाइनर को सुरक्षित रूप से वापस धरती पर लाने के लिए तकनीकी रूप से एक सही एंगल पर लाना होगा। जब तक कैप्सूल वायुमंडल में प्रवेश करने के लिए सही एंगल पर है तब तक तो सब ठीक होगा, लेकिन अगर यह सही नहीं है तो यह तो वह जल जाएंगे या फिर वापस अंतरिक्ष में चले जाएंगे। इस परिस्थिति में उनके साथ केवल 96 घंटे की ऑक्सीजन आपूर्ति होगी, जिसके साथ उनका बचना बहुत ही मुश्किल होगा। स्टार लाइनर अंतरिक्षयान का अंतरिक्ष में उछलना सबसे खराब स्थिति होगी, क्योंकि तब वह अंतरिक्ष में ही वाष्पीकृत हो जाएंगे। दोनों ही परिस्थिति में उनके जीवन को खतरा हो सकता है। अगर इन्होंने बहुत तेज एंगल के साथ वायुमंडल में प्रवेश करने की कोशिश की तो वायु और स्टार लाइनर के घर्षण के कारण अंतरिक्ष यात्रियों के चलने का खतरा भी रहेगा। इससे पहले सुनीता विलियम्स और बुश विलमोर पिछले 2 महीने से अंतरिक्ष में फंसे हुए हैं। बोइंग के स्टार लाइनर में सवार होकर केवल 10 दिनों के स्पेस मिशन पर निकले यह दोनों अंतरिक्ष यात्री अपने विमान में खराबी की वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर हैं। नासा ने इनको वहां से वापस निकालने के लिए स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल की मदद लेने की योजना बनाई है, लेकिन इस योजना के जरिए अगर उन्हें वापस लाया जाता है तो वे फरवरी या मार्च 2025 तक धरती पर वापस आ जाएंगे। इतने दिनों तक अंतरिक्ष की माइक्रोग्रेविटी में रहना दोनों ही यात्रियों के लिए सुरक्षित नहीं है। नासा की रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों ही यात्रियों को धीरे धीरे कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि बोइंग की तरफ से बयान आया है कि स्टार लाइनर के ऊपर काम चल रहा है और वह किसी आपात स्थिति में यात्रियों को वापस आने में सक्षम है, लेकिन वह किसी अगर मगर के फेर में नहीं पड़ना चाहता, इसलिए नासा की मदद ले रहा है। नासा की तरफ से बोइंग के ऊपर एक रिपोर्ट निकाली गई थी जिसमें पेंटागन से अपील की गई है कि बोइंग के ऊपर जुर्माना लगाया जाए, क्योंकि उसने स्टार लाइनर की सुरक्षा संबंधी जानकारी को सही से नहीं बताया था। फिलहाल नासा की तरफ से यह बताया गया है कि अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं और स्पेस एक्स का ड्रैगन कैप्सूल जल्दी ही उन दोनों को लेकर धरती पर आ जाएगा। तो दोस्तों, आप लोग क्या कहना चाहेंगे? आप लोगों को क्या लगता है कि सुनीता विलियम धरती पर सेफली आ पाएंगी या नहीं आ पाएंगी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।